फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी टाइमिंग विद जैज। आज मैं बनाऊंगी मैक्सिकन किनुआ बोल। ये बहुत ही हेल्दी, टेस्टी एंड सुपरली डिलीशियस डिश है। प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिश के साथ। मैं ले रही हूँ एक कटा हुआ प्याज, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैरेट, टमाटो, कैप्सिकम, सब चॉप की हुई, एक कप किनुआ जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। किनुआ को बॉईल कैसे करते हैं आप उसके लिए ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करके आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं। एक बोल राजमा बॉईल किए हुए और एक थर्ड कप स्वीट कॉर्न बॉईल किया हुआ, हाफ कप टमाटो केचप, इसकी जगह टमाटो प्यूरी भी ले सकते हैं, चिली सॉस 2-3 टेबलस्पून, गार्निश के लिए थोड़ा स्प्रिंग अनियन और चॉप किया हुआ गार्लिक। अब एक पैन में मैं 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालूंगी, आप इसकी जगह नॉर्मल ऑयल या घी भी ले सकते हैं। उसमें गार्लिक डाल के उसे अच्छे से सॉटे करूंगी, गैस मीडियम रहेगी, तकरीबन 1-2 मिनट उसे सॉटे करूंगी मैं। और उसके बाद इसमें डालूंगी मैं कटा हुआ प्याज और इसे भी 2-3 मिनट तक ट्रांसलूसेंट होने तक पकाऊंगी मैं। अब डालूंगी इसमें मैं टमाटर और इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए। टमाटर पक गए हैं, प्याज और टमाटर ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें मैं सारी सब्जियां डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 5 मिनट के लिए सब्जियों को सॉटे कर लूंगी। अब इसमें डालूंगी स्पाइसेस। पहले जाएगा नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबलस्पून और ओरिगैनो 1/2 टेबलस्पून। और इसके बाद डालूंगी टमाटो केचप और 2 टेबलस्पून चिली सॉस। चिली सॉस ऑप्शनल है। और तकरीबन 1/4 कप इसमें पानी डालूंगी ताकि अच्छे से सारे स्पाइसेस सब्जी के साथ मिक्स हो जाएं और किनुआ भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ मैं डाल रही हूँ किनुआ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाई हीट पे 2 मिनट तक। मेरा मैक्सिकन किनुआ बनके रेडी है। अब इसे गार्निश करूंगी मैं स्प्रिंग अनियन से और इसे गर्मा गर्म सर्व करके इंजॉय करेंगे डिश को।